माय नेम इज़ गौरव तिवारी और हम लोग वीडियोस बनाते हैं प्रॉपर्टीज का, एक्चुअल साइट पे जाके वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उनका और जो कंस्ट्रक्शन अपडेट्स हैं उनका। ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो लोग एक्चुअल साइट पे नहीं जा सकते हैं किन्हीं कारणवश, या जिन्होंने प्रॉपर्टी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया, उन्हें इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे और प्रॉपर्टी के बारे में हम कई बार बातें भी करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्टर 18 और 20 के अंदर जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पे है, आज के टाइम पे हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं लोगों के, उसमें जानना चाहते हैं कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, कैसा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सेक्टर 18 और 20 का जो है मैप लगा हुआ है। आज हम आपको बताते हैं कि हम क्या वीडियो बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये जो आप रोड देख रहे हैं ये यमुना एक्सप्रेस वे है, ये आपका नोएडा है और यहाँ से आपका इस तरह से ये शुरू होता है जो कि आपका जाता है आगरा की तरफ पे। और जो एक्सप्रेस वे है यमुना एक्सप्रेस वे, उसके साथ में होती है सर्विस रोड और सेक्टर रोड। सेक्टर रोड ये 100 मीटर की है। हमने अपना वीडियो आज यहाँ से शुरू किया है, आपको बता दूँ सेक्टर 19 है जो बिल्कुल रोड पे है, बिल्कुल आपका सेक्टर रोड के ऊपर है, माफी चाहूंगा। और ये आपका पूरा आ जाता है सेक्टर 18 और ये पूरा एरिया आ जाता है सेक्टर 20 का। इसको बीच में जो रोड जाती है, गुजरती है, कनेक्ट करती है, वो है 100 मीटर की वाइड रोड जो आपकी पूरी यहाँ तक जाके 60 मीटर की रिंग रोड से मिल जाती है। और यहाँ पे सेक्टर 21 है जहाँ पे आपका फिल्म सिटी आना है। तो हमने आज वीडियो बनाना शुरू किया यहाँ से। सबसे पहले हम आए हैं एग्जिट नंबर 2C से, एग्जिट नंबर 2C से उतरते हैं, तकरीबन यहाँ पे है 1.5 से 2 किलोमीटर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें 100 मीटर वाइड रोड मिल जाती है। हमने यहाँ से इस कॉर्नर से वीडियो शुरू किया है और इससे होते हुए हमने पहले लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज़ को आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे मिर्ज़ापुर विलेज आप देख सकते हैं, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट का है और इसके साथ 7% आबादी वाले प्लॉट हैं। इसके साथ साथ हम चलते हुए गए हैं, सबसे पहला सेक्टर सेक्टर 2A हमने कवर किया है, फिर 2C कवर किया है, फिर 3B और 3C, यहाँ तक हमने कवर करके आपको दिखाने की कोशिश की है। फिर हमने यहाँ से रोड से वापस यूटर्न लिया है और एस से हमने शुरू किया था, एच दिखाया हमने आपको, जी एफ और ई और डी से होते हुए हम यहाँ पे वापस आए हैं सेक्टर ए तक, और सेक्टर ए पे यहाँ पे आके कहीं पे हमने 100 मीटर पे वीडियो को ख़त्म किया है। हमने किसी भी सेक्टर के अंदर जाके नहीं दिखाया है, उसका रीज़न है हमने आज आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है इन कुछ सेक्टर्स की। हम अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे इन सेक्टर्स के अंदर जाके। फिलहाल जो हमारा डेवलपमेंट था वो डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सारे सेक्टर 18 में 300 मीटर के प्लॉट हैं और सेक्टर ए जो है वो 4000 मीटर का है, और आपका एफ जी और एच ये 300 मीटर के प्लॉट है और ई 1000 मीटर का प्लॉट है। तो इसके बाद हम आपको डायरेक्ट साइट पे ले जाएंगे और दिखाएंगे आपको लोकेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव तिवारी और आज हम फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर जो दो सेक्टर्स हैं, सेक्टर 18 और सेक्टर 20, जिसमें 300 मीटर से प्लॉट शुरू होते हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें पहले हम लोकेशन के बारे में, यमुना एक्सप्रेसवे से हम आते हैं, आप सबको पता होगा यमुना एक्सप्रेसवे से जहां से हम आते हैं, और वहां पर एक एग्जिट आती है जिसको बोलते हैं एग्जिट 2C। एग्जिट 2C से हमने एग्जिट लिया है, वो एग्जिट आपको टूवर्ड्स ग्रेटर नोएडा, टूवर्ड्स वापस परीचौक की तरफ निकालती है। आपको वापस जाके यू टर्न लेना है और टूवर्ड्स आगरा फिर से चलना है। अब जब आप आगरा की तरफ वापस चलने लगते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे जो यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में जो है हमारा सर्विस रोड है और सर्विस रोड के साथ में जो सेक्टर रोड है यहाँ पे हम आए हैं। एग्जिट 2C से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास ये एग्जिट पड़ती है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ओके, हमने अपना सफ़र ये शुरू कर दिया है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पे कौन से सेक्टर हैं। तो आज हम 18 और 20 के कौन से सेक्टर कवर करेंगे, हम इसमें 5 या 10 सेक्टर कवर करेंगे। ये पहले रोड बता दूं आपको कौन सी है, ये जो रोड है जिस पे अभी हम चल रहे हैं ये 100 मीटर की चौड़ी रोड है जो कि सेक्टर 18 और 20 को कवर करती है। लेफ्ट हैंड में हमारे उल्टे हाथ में सेक्टर 18 है और हमारे सीधे हाथ पे जो है वो सेक्टर 20 पड़ता है। सेक्टर 20 का जो पहला हमारा ब्लॉक है वो है ए ब्लॉक जो कि 4000 मीटर का है, हम उसको अभी कवर करेंगे। पहले हम आपको लेफ्ट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। ये हमारा जो चल रहा है अभी फैसिलिटी मैनेजमेंट है, अगर आप मैप में भी देखेंगे जो मैप हम आपको भेजते हैं या अथॉरिटी का मैप, फैसिलिटी मैनेजमेंट के नाम से, फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए इसको रखा गया। इसमें कम्युनिटी सेंटर बन सकता है, इसमें इलेक्ट्रिक का कुछ जेनसेट का वो बन सकता है, आपका पावर हाउस या कुछ इस तरीके के बनाएंगे। पूरी जानकारी हमारे पास नहीं क्या करेंगे, बट एक फैसिलिटी मैनेजमेंट के तौर पर इसको कर रहे हैं। और इसके साथ में हम चलते हैं, अभी हमारा यही चल रहा है, आप देख सकते हैं।
तो हम लगातार इसी 100 मीटर की रोड पर सीधे चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, लेफ्ट हैंड पे फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए जगह छूटी है। उसके तुरंत बाद जो शुरू होता है वो है, देयर इज़ अ विलेज जो कि बोलते हैं मिर्ज़ापुर विलेज है, और मिर्ज़ापुर विलेज के साथ में 7% वाले, जिसको किसान कोटे के फार्मर्स कोटे वाले 7% वाले प्लॉट होते हैं, वो हैं आप हमारे लेफ्ट में देख सकते हैं, ये मिर्ज़ापुर गाँव है। ये अभी भी हमारा विलेज मिर्ज़ापुर चल रहा है। अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो मैं आपको एंट्रेंस दिखाना चाहूँगा इसका। ये आपका लेफ्ट में एंट्रेंस है जो कि मिर्ज़ापुर गांव जाने के लिए बना हुआ है। उसके साथ में हमारे ये 7% वाले किसान कोटे के जो प्लॉट हैं, ये भी अथॉरिटी के ही प्लॉट्स होते हैं, डेवलप अथॉरिटी करती है, लेकिन किसानों को फार्मर्स कोटा बोलते हैं, जो उनको मुआवजे में, जो उनकी ज़मीनें ली होती है उसके एवज में उनको 7% अलॉटेड होता है। सर ये सारा हमारे साथ में आप देख सकते हैं डेवलपमेंट। इस रोड पे अगर हम बात करें सबसे पहले सेक्टर की, तो सेक्टर 2A आता है जो कि सेक्टर 18 में है। हम गांव से आगे निकल चुके हैं, अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे 100 मीटर की रोड पे चलते हुए जो सेक्टर आएगा सबसे पहला वो होगा सेक्टर 2A। राइट में भी हमारे सेक्टर 20 में भी कुछ सेक्टर चल रहे हैं जिनको अभी हम कवर करेंगे वापस आते समय। लगातार हम चलते हुए 100 मीटर की रोड पर, और जैसा कि मैंने बोला आपको, सबसे पहला जो सेक्टर हमारा आता है उसका आप बोर्ड देख सकते हैं, सेक्टर 18 पॉकेट 2A। डेवलपमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी नहीं है यहाँ पर। हम उसी रोड पे लगातार चल रहे हैं, लेफ्ट में हमारे सेक्टर 2A चल रहा है और राइट हैंड साइड पे हमारे सेक्टर ई है। अगर हम बात करें, अगर आप मैप में देखेंगे तो हम आपको एंट्रेंस भी दिखाएंगे अभी सेक्टर 2A में, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कहां से एंट्री करनी पड़ेगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे एंट्री की, तो अगर आप सेक्टर 2A जाना चाहते हैं तो ये एंट्री पड़ती है सेक्टर 18 के अंदर। 2A की ये एंट्री है, पॉकेट 2A। आप यहाँ से डायरेक्ट 2A में जा सकते हैं, आप ये बोर्ड भी देख सकते हैं, 2A का बोर्ड लगा हुआ। अगर हम काम की बात करें तो आप देख रहे थे पीछे बहुत ज़्यादा काम नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर आप इस पॉकेट में देखेंगे तो काम हो रहा है। हम जो पाइप देख सकते हैं, सीवेज के पाइप होते हैं, एक्सकवेशन होता है, लेवलिंग होती है, बहुत सारे काम होते हैं जो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस पॉकेट के अंदर इस जगह पे आप देख सकते हैं चलता हुआ। ये नाली का भी आप काम देख सकते हैं यहाँ पर। हम आपको सेक्टर 2A दिखा रहे थे अभी तक। बाहर आपने देखा होगा कि उतना ज़्यादा काम नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे जो इंटरेस्ट दिखाया था तो काफ़ी काम हो चुका है उसके अंदर। जो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली दे शुड गो एंड सी कि एग्जैक्टली ग्राउंड्स पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। किसी दिन हम इस वीडियो को अलग से कवर करेंगे। और आप देख सकते हैं 2A के बाद हमारे लेफ्ट में आता है सेक्टर 18 का पॉकेट 2C। 2C चल रहा है हमारे यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट करती है अथॉरिटी। जब ये पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो वहाँ पे अथॉरिटी रजिस्ट्री कराने के लिए आपको बोलती है, जब आपको पोजीशन देती है। सेक्टर 2C हमारे लेफ्ट में, और ये वही 100 मीटर की रोड है जिसपे हम लगातार चल रहे हैं। बोर्ड देख सकते हैं सेक्टर 2C का। तो जो भी इस सेक्टर में अंदर जाना चाहते हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली रोड का काम चल रहा है।
रोड बन रही है, आप चाहें तो यहाँ से जा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। डिमार्केशन का भी काम हुआ है काफ़ी जगह पे। ये सारी अपडेशन दिन ब दिन कुछ ना कुछ काम होता रहता है। और हम आगे बढ़ते हुए 100 मीटर की रोड पर, यहाँ तक ये रोड है जो जाती है, उसके आगे इस पर कंस्ट्रक्शन का काम होना है और हम आपको यहीं तक सेक्टर दिखा पाएंगे। सेक्टर 18 का ये पॉकेट 3C है और इसी के साथ में 3B भी है, तो ये दोनों पॉकेट जो है सेक्टर 18 के अंदर हमने कवर करे। अब हम आपको सेक्टर 20 के कुछ पॉकेट्स दिखाते हैं जो कि हमारे सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड पे पड़ेंगे। ये आप रोड भी देख सकते हैं, मैं आपको ये रोड ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये रोड अभी इस तरफ की रोड जो है हमारी साइड की ख़राब है, लेकिन हम उसको दूसरी साइड से जा सकते हैं। जो आपकी ये अप लाइन है वो डाउन लाइन है, तो दूसरी साइड जो है इसके अपोजिट वाली रोड है, आप अगर आगे जाना चाहें तो उस रोड से आ सकते हैं आगे तक। अभी हम 100 मीटर वाली रोड पे ही हैं, लेकिन हम रोड के दूसरी साइड पे आ गए। हम आपको दिखा रहे हैं 100 मीटर की रोड है। यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं ये पॉकेट एच है आपका। कुछ कारणवश हम आगे जाके आपको नहीं दिखा रहे बिकॉज रोड थोड़ा ठीक नहीं है, तो यहाँ पे पॉकेट एच है। आइए चलते हैं हम दूसरे पॉकेट्स की तरफ। तो इसी 100 मीटर रोड पे हमने आपको दिखाया था अभी पॉकेट एच, और एच के बाद अब हम चल रहे हैं दूसरे पॉकेट की तरफ जो कि है हमारा पॉकेट जी। बोर्ड आने वाला है, हम आपको दिखाएंगे पॉकेट जी। ये सारे ब्लॉक्स जो हमने दिखाया, मैं ऐड करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा 300 मीटर के ये आपका देख सकते हैं सेक्टर 20 का पॉकेट जी 300 मीटर का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। लेवलिंग का काम भी चल रहा है, फिर सीवेज का काम भी, पाइप देख सकते हैं आप जो पाइप इसमें लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं काम चलता हुआ इसके अंदर। और आप सामने देख सकते हैं रोड भी बनी हुई है, तो कोई अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कोई क्लाइंट है या कोई इन्वेस्टर है जो देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जा सकते हैं इस पॉकेट के अंदर और जाके देख सकते हैं। 300 मीटर का ये हमारा पॉकेट। आज हमने कोशिश करी आपको 100 मीटर की जो रोड आती है आपकी, जो 18 और 20 के बीच से जाती है, जो दोनों को कनेक्ट करती है, उस रोड पे चल के हमने आपको कोशिश करी, जहां तक हम जा सकते थे वहां तक हमने आपको करने का कोशिश करी कि हम आपको दिखाएं किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। एक एक सेक्टर की भी हम आपको वीडियो आगे बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये डेवलपमेंट का काम होता हुआ। फिर आप देख सकते हैं जी के बाद पॉकेट एफ सेक्टर 20 के अंदर ही 300 मीटर। देख सकते हैं आप पॉकेट एफ चल रहा है हमारे लेफ्ट के अंदर ही। और आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं सेक्टर्स में, हम लोग इसी रोड से जो कवर हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है बहुत तेजी से। और मैं अपने जो भी दर्शक हैं उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताना चाहूँगा कि अगर आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में सेक्टर 100 मीटर से हम जा रहे हैं, वहाँ पे खेत है या काम कम हुआ है, तो ज़्यादातर जो आप देखोगे 100 मीटर की जो हमारी रोड है उसके साथ में ग्रीन बेल्ट है, तो ग्रीन बेल्ट है इस वजह से उसको नहीं छेड़ा गया, उसको अभी डेवलप भी नहीं किया गया है। ये सबसे बाद में चीज़ें डेवलप होती हैं, तो वो अथॉरिटी बाद में करेगी। आप देख भी सकते हैं मैप में कई जगह पे ग्रीन बेल्ट है, इस वजह से वहाँ पे काम नहीं हुआ। कोई भी अगर आप सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो इनसाइड। आप वहाँ जाएंगे अंदर से देखेंगे तो आपको आइडिया ज़रूर हो जाएगा। हम लगातार चल रहे हैं सेक्टर 100 मीटर सेक्टर जो रोड है 100 मीटर की, उस पर लगातार चल रहे हैं। लेफ्ट और राइट में हमारे 18 और 20 सेक्टर्स थे। पहले हमने आपको सेक्टर 18 के अंदर की डेवलपमेंट दिखाई जो हमारे लेफ्ट में था जाते समय, इस समय राइट हैंड साइड में है। अभी हम वापस चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है सेक्टर 20 और राइट हैंड साइड पे है सेक्टर 18। अभी हमारा लेफ्ट में आप देखेंगे सेक्टर जो है पॉकेट जो है ई शुरू होता है सेक्टर 20 का, पॉकेट ई।
1000 स्क्वायर मीटर्स के प्लॉट हैं, प्रीमियम प्लॉट होते हैं सारे 1000, 2000 और 4000 के। इनकी जो है यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल पास में रोड से लगे हुए हैं। 4000 बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, फिर 2000 है, फिर 1000 है, तो जो भी प्रीमियम चीज़ है बिल्कुल रोड से लगी हुई है। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो डेवलपमेंट चल रहा है, पॉकेट ई सेक्टर 20, साइज 1000 स्क्वायर मीटर्स। आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है पॉकेट ई सेक्टर 20 का, 1000 स्क्वायर मीटर्स। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए सेक्टर ये ब्लॉक, ये पॉकेट अवेलेबल है, पॉकेट ई। ये आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है सारा, जो भी अंदर काम चल रहा है। हमने आपको पॉकेट ई दिखाया था, पॉकेट ई के बाद पॉकेट डी शुरू होता है हमारा। तो आप देख सकते हैं सारा जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से अथॉरिटी कर रही है सारे काम को। प्राइस में भी काफ़ी उछाल आप देखने को मिलता है आजकल, क्योंकि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और सेक्टर 20 की खासियत किसी और वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे, बट इसके साथ में सेक्टर 21 है, 21 जहाँ पे फिल्म सिटी प्रपोज्ड है। जिस दिन फिल्म सिटी का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे एंड यूज़र, कई सारे तरह के लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये सारा पॉकेट डी आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं यहां पर ड्रेनेज का काम, सीवेज का काम चलता हुआ ये सारा चल रहा है। और जो हम जिस सेक्टर पे अभी जाएंगे, जो मेन रोड से लगता हुआ सेक्टर है, मतलब यमुना एक्सप्रेसवे है, उसके बाद आपकी सर्विस रोड है, फिर सेक्टर रोड है, उस सेक्टर रोड से लगता हुआ जो सेक्टर 20 है, सेक्टर 20 का जो पॉकेट है, पॉकेट ए, जो कि 4000 स्क्वायर मीटर्स के हैं, तो वहीं पे हम बस पहुंच रहे हैं। सबसे प्रीमियम जो है इसका सेक्टर वो सेक्टर ए, क्योंकि गिने चुने प्लॉट हैं उसके अंदर। तो हम लगातार चलते हुए 100 मीटर की रोड पे वापस आ चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं ये ATS अलेवर का प्रोजेक्ट है, और जो गाड़ियां चलते हैं आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे है, उसके साथ में आपका सर्विस रोड है, फिर सेक्टर रोड है। और हमारे लेफ्ट में आप देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था, 4000 मीटर का जो प्लॉट है, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो 4000 मीटर के जो प्लॉट है वो सेक्टर पॉकेट ए के अंदर है, सेक्टर 20 पॉकेट ए के अंदर है। मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप, सबसे प्रीमियम जो पॉकेट है, पॉकेट ए, क्योंकि सबसे बड़ा साइज़ है, 4000 स्क्वायर मीटर के यहाँ पर प्लॉट्स हैं। अंदर डेवलपमेंट भी है, उस वीडियो को ज़रूर हम कोई और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो हमने आज पॉकेट कवर करे हैं उनके अंदर जा जा के कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हमारी कोशिश थी कि जो सेक्टर हमारा 18 और 20 है, उसके बीच की जो रोड है सेक्टर जो 100 मीटर की है, उस पे अगर कोई जाता है, उस पे जो सेक्टर पॉकेट 2A है या 3B है या आपका ई है, एफ है, जी है, ये सारे जो आपके पॉकेट्स आते हैं, अगर किसी को उसके बारे में जानना हो तो वो यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं और उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसको समझने में। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाह रहे हैं, अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं किसी भी बात को लेके, कोई भी कंसल्टेशन को लेके, तो मैं अपना नंबर इसमें यहाँ पे ज़रूर डाल दूंगा। आप लोग चाहें तो इस नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव तिवारी, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।